ये बीजेपी के पास कोई एजेंडा है क्या? बुनियादी समस्या जो है महंगाई बेरोजगारी, उस पर उसकी सरकार है, कोई वास्ता है? कभी उन्होंने लेकर महंगाई बेरोजगारी पर डिबेट कराया, उसके लिए संवेदनशील हुआ? आज किस स्थिति में महंगाई बेरोजगारी चरम पर है? सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का, समाज को बांटने का उन्होंने काम किया? कोई एजेंडा ही नहीं, बस एक एजेंडा है अपनी राजनीतिक सकने का, कैसे अपने राजनीतिक में बने रहें, एक काम है सिर्फ बीजेपी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जेडीयू प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ये प्रेस वार्ता उमेश कुशवाहा के नेतृत्व में किया गया। वहीं आपको बताते चले कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और एमएलसी रामेश्वर महतो में अनबन चल रही थी, जिसको लेकर ये प्रेस वार्ता किया गया और उमेश कुशवाहा ने यह ऐलान किया कि अब कोई भी समस्या नहीं है। जो भी अनबन हुई थी रामेश्वर महतो के साथ, वो पूरी तरीके से सुलझा लिया गया है और अब हम लोग सभी एक साथ हैं और भाजपा को उखाड़ फेंकने का अब हम लोग मन बना चुके हैं और सब मिलकर एक साथ भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। इसी के साथ बता दें आपको कि बीजेपी पर जबरदस्त निशाना साधते हुए नजर आए जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। अधिकारी परेशान कर रहे हैं उनके मन, कहीं नाराजगी किसी भी, हमारे जो घटक दल है महागठबंधन एकजुट है, एक साथ है, इसके लिए आप लोग परेशान नहीं हो। ये कुछ लोग हैं जो भ्रम फैलाने की स्थिति में लोग लगे रहते हैं, कहीं कोई ऐसा कुछ नहीं। आप बात है कि बीजेपी का एजेंडा चल रहा है ना महागठबंधन, जो बात बीजेपी को बोली चाहिए। बीजेपी के पास कोई एजेंडा है क्या? बुनियादी समस्या जो है महंगाई बेरोजगारी, उस पर उसकी सरकार है, कोई वास्ता है? कभी उन्होंने लेकर महंगाई बेरोजगारी पर डिबेट कराया, उसके लिए संवेदनशील हुआ? आज किस स्थिति में महंगाई बेरोजगारी चरम पर है? सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का, समाज को बांटने का उन्होंने काम किया? कोई एजेंडा ही नहीं, बस एक एजेंडा है अपनी राजनीतिक सकने का, कैसे अपने राजनीतिक में बने रहें, एक काम है सिर्फ बीजेपी का। देखिए, बिहार जो है पहला राज है जो गणतंत्र पूरे संसार को दिया, ये जो है सत्याग्रह की धरती है, ये जो है संपूर्ण क्रांति की धरती है, यहीं से आकार मिला। निश्चित रूप से आप लोग देखते रहिए ना, बेचैन क्यों है भाजपा वाले लोग, हताश क्यों हैं, पता है 24 में क्या होने वाला है? आप लोग इंतजार करिए, 24 में रिजल्ट मिलेगा। जनता सब चीज़ जान चुकी है, जनता उनका खेला को समझ चुका है। जेडीयू में टूट की बात कही जा रही है, हंसी आती है जेडीयू में टूट की। आप इसके पहले भी बहुत बात उठाई गई है, आपने देखा है। आप शुरू से जब जेडीयू का आकलन करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब देखिए ना कि बड़े बड़े लीडर जो कहते थे कि हमारे साथ जेडीयू के, इतने बड़े विधायक इतने साथ हैं, इतने एमपी हमारे साथ हैं, गए तो किनके साथ लेके गए? कोई गए किसी? आप लोग भी देखें कि भ्रम किस तरह से फैलाया जा रहा था। अभी तो माननीय रामेश्वर महतो जी हैं आपके बीच में बैठे, इनके बारे में किस तरह से भ्रम फैलाया गया आपके बीच में? इन्होंने कहा है अपने अपने शब्दों में कहा कि इनकी निष्ठा नीतीश जी के साथ है। क्यों बेचैन है, काहे वो लोग बेचैन है? जो कहते हैं, दावा ठोकते हैं, वो अपना संभालें, वो अपना घर देखें। थैंक्स। पार्षद रामेश्वर महतो जी बैठे हैं, इनको लेकर इन दिनों कई तरह की खबरें मीडिया में, सोशल मीडिया में चले रही थी, जिस कारण कुछ भ्रम की स्थिति पैदा थी। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि माननीय विधान पार्षद रामेश्वर महतो जी पार्टी में और पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति इनकी आस्था, इनका जो साथ पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगी, पूरे मजबूती के साथ दल के साथ बने हैं। साथियों, कुछ मुद्दे को लेकर, संगठन में कुछ बिंदुओं को लेकर
भर्म की स्थिति पैदा हुई थी। लेकिन मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर अपनी स्थिति को स्पष्टीकरण दे दिया है। कुछ बिंदु पर कुछ लोग के द्वारा जो भ्रम लाया गया था वो सब दूर हो गई है। कहीं कुछ नहीं, कुछ लोग हवा देने की कोशिश की थी, लेकिन और कुछ बयान भी इनके आए थे जिसके लिए इन्होंने खेद भी प्रकट किया। पार्टी में हमेशा पहले की तरह आज भी और आगे भी हम लोग सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति इनकी आस्था है और रहेगी और दल में बने हैं। आगे भी कुछ बात आप लोग से जो शेयर करेंगे हमारे माननीय विधान पार्षद रामेश्वर महतो जी शेयर करेंगे। एक चीज़ ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि बड़े बड़े लक्ष्य के लिए छोटी छोटी जो होती है बातों को नज़रअंदाज किया जाता है। अभी हम लोग सब एकजुट हैं और 2024 का चुनाव है, उस चुनाव में भाजपा मुक्त देश को बनाना है, इसके लिए हम सब लोग एकजुट हैं और सब लोग हमारे पार्टी के जितने भी साथी हैं और हमारे रामेश्वर महतो जी, इनकी पूरी पूरी आस्था नीतीश जी के सर्वमान्य नेता के प्रति है, दल के प्रति है। आगे रामेश्वर महतो जी बताएंगे आप सब। संजय गांधी जी पार्टी के मुख्यालय प्रभारी भाई वासुदेव जी, हैदर खान साहब बगल में बैठे पार्टी के प्रवक्ता भाई हमारे शेख झा जी, धनंजय जी, सभी मीडिया के साथियों, ये बात सही है कि पिछले दिनों मेरे प्रति काफ़ी बातें रही। मैंने जो भी बातें रखी मीडिया में उसके ऊपर भी बहुत चीज़ चला, लेकिन एक चीज़ हमेशा था, मैंने हमेशा एक बात कहा है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के से ही प्रभावित होकर राजनीति में आया और राजनीति में जदयू मेरी पहली पार्टी है। इससे पहले न मैं किसी पार्टी का सदस्य था और मैं इसी पार्टी में प्रथम बार आया जब से मैंने राजनीति ही सीखी है। साथियों, कई बार होती है कुछ बातें हमारे लगता है हमें कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, और पिछले दिनों मैंने बात एक रखी थी, प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह भी किया था कि हम लोग एकजुट होके जहाँ हमारे नेता आज पूरे देश को एकजुट करने में लगे हैं और जो देश की परिस्थिति है, आज जो बेरोजगारी है, आज जो महंगाई है, आज जो समस्याएं हैं देश के, उससे निजात पाने के लिए हमारे नेता आज पूरे देश को एकजुट करके और भाजपा को मुकाबला करने के लिए, भाजपा मुक्त देश बनाने के मुहिम में चले हैं। मैंने यही से आग्रह किया था कि हम सब लोग एकजुट होकर माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार से ताकत दें और बिहार के लिए बहुत गौरव की बात होगी जब हमारे नेता बिहार से चल के देश के राजनीति को देखेंगे और देश को आगे का राह दिखाएंगे। साथियों, मैं हमेशा कहता हूँ कि बिहार में जो विकास हुआ है इतने सालों में, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने गद्दी संभाली है 24 नवंबर 2005, ऐसा राज्य बिहार के अलावा और कहीं नहीं, ऐसा विकास और कहीं नहीं। देश को ऐसा विकास होना चाहिए, देश में ऐसा विकास होना चाहिए, इसलिए नेता नीतीश कुमार देश के नेतृत्व करे, ऐसी हमारी मंशा है। जहाँ तक सवाल है कि अलग अलग लोग अलग अलग बात की उनके साथ है, मैं कभी किसी के साथ नहीं गया। ये सत्य है कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी से जा रहे थे, मेरा प्रयास था कि वो पार्टी में रुके, पार्टी में रहें, वो लक्ष्य हमारी बड़ी थी। हमें अपने नेता को सब लोग मजबूती से साथ दे के उनको केंद्र की राजनीति में भेजना था, मेरी ऐसी इच्छा थी कि वो ना जाएं। उससे पहले माननीय आरसीपी सिंह जी भी थे, उनके साथ में काम करता था और माननीय नेता के आदेश के अनुसार ही हम लोग आरसीपी बाबू के साथ हो या माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हमने काम किया। लेकिन लोगों में भ्रम रहा कि उनके साथ है। मेरी आस्था हमेशा से माननीय नेता नीतीश कुमार में रही है और हम सब लोग मिलके माननीय नेता के हाथों को मजबूत करेंगे। जहाँ तक सवाल है बाकी लोगों का, तो जिनको जहाँ जैसी व्यवस्था बनी वो गए, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय आरसीपी बाबू को भी बड़ा सम्मान दिया पार्टी में, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को भी बड़ा सम्मान दिया पार्टी में और कुशवाहा समाज के सभी लोगों को सम्मान मिलता है। छह लोकसभा में भी 3 सीट दी, मुझे लगता है भाजपा में पूरे देश में हमारे समाज को 3 सीट नहीं दी, पूरे देश से 3 सांसद नहीं बने, लेकिन हमारी क्षेत्रीय पार्टी होने के बावजूद हमारे नेता ने बिहार में 3 सांसद हमारे समाज को दिए। मैं जब एमएलसी था बना, उस वक्त माननीय सीपी सिन्हा जी थे, मैं बना,
माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को भी मौका मिला। समाज को हमेशा सम्मान नेता ने दिया है और नेता में हमारी आस्था है। हम पार्टी में थे, है और बड़ी मजबूती से रहेंगे। यही मुझे बात कहनी थी और